सितारगंज के वार्ड नंबर 3 की रहने वाली मंजूर अहमद ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर घर में घुसकर उनके पुत्र उमर के ऊपर जानलेवा हमला व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सितारगंज वार्ड नंबर 3 की रहने वाली मंजूर अहमद के मुताबिक रात को 3:30 बजे उनका पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। पुत्र उमर और बहू दूसरे कमरे में सो रही थी। शोर शराबा होने पर जब हमारी आँख खुली तो मेरे पुत्र उमर और बहू को उनके कमरे से बाहर निकालकर 4 लोग लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीट रहे थे और जब बहू ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी पीटा, जिससे उसकी चूड़ी और कपड़े भी फट गए। थाने में दी गई तहरीर में कहा गया कि उनका पुत्र उमर को लाठी डंडों से बेल्टों से बुरी तरीके से चारों लोगों ने पीटा है। मोहम्मद उमर सन ऑफ मंजूर अहमद 33 साल का मेल है, वार्ड नंबर 3 सितारगंज का रहने वाला, तो उसको लाठियों से पीटा गया है और पूरे शरीर पे जो है बिल्कुल एब्रेजन लाठी के पैटर्न के हैं, स्वेलिंग के साथ साथ हैं और छाती में, पीठ पर, पेट में कुल मिला के लगभग 12 लाठियाँ जो है लगी हुई हैं शरीर पर, समझे, पूरी स्वेलिंग है, पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, छाती में भी दर्द है बहुत ज़्यादा, तो चोट तो काफ़ी गंभीर है। हम इनको रुद्रपुर के लिए रेफर कर रहे हैं, हमने सारी इंजरीज नोट कर रखी हैं, जैसे ही जो है पुलिस की तरफ से जो है कंप्लेंट आई है तो हम एमरजेंसी बना लें, ठीक है। फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के मतदान खत्म होने में अब मात्र 2 घंटे बचे हैं, लेकिन अब तक बहुत कम ही मतदाता घरों से पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। दोपहर 3 बजे तक मिले पोलिंग के आंकड़े बताते हैं कि सफाई दलों से भरपूर प्रयास के बावजूद वोटरों को लुभाने में नाकाम रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक मात्र 26.6% वोटरों ने ही अपने मतदाता का प्रयोग किया है, जिसमें शहरी इलाका शहरी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र सबसे पीछे है, जहां अब तक मात्र 15.4% वोट ही पड़े हैं। उपचुनाव में ईवीएम तथा वीवीपैट में गड़बड़ी की शिकायत, 2 जगहों पर ईवीएम तथा 1 दर्जन से अधिक वोटों पर वीवीपैट बदलना पड़ा, इन वजहों से बूथ पर मतदान भी रुका रहा। घूरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में रहने वाली एक महिला और उसके 2 बच्चे संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। बच्चों की लाश गांव के पास है पानी भरे गड्ढे में मिली, वहीं मां की लाश औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़े गांव में मिली। पुलिस का कहना है कि बच्चों को गड्ढे में फेंकने के बाद महिला ने ट्रेन के सामने कुशल का आत्महत्या कर ली, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्यों पूछना रितेश सिंह का कहना है, जाँच पड़ताल की जा रही है। राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद की कुंजी फेल, अभी तक महाविद्यालय में कॉपी पेपर भेजने में नाकाम सभी के 8 बच्चे हैं। बच्चे काफी परेशान दिख रहे हैं, अभी तक कॉपी पेपर कॉलेज में नहीं पहुंचे, प्रबंधक बच्चों को सांत्वना दान करते हुए। इलाहाबाद बिशप जॉनसन स्कूल के बाद सोमवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने बम फूंककर सनसनी फैला दी। स्कूल के गेट पर एक छात्र की कार पर बम फोड़ा, जिससे कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। छात्रा अपने भाई के साथ कार के अंदर बैठी थी। इस बमबाजी में वहां मौजूद एक अधिवक्ता हर्रा लगने से जख्मी हो गए। कॉलेज गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हमलावर कैद है अवध नारायण पांडे की बेटी बिशप जॉनसन स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा संचालित बीए प्रथम एवं बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने से सुबह 7 बजे से भूखे प्याजे परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर हंगामा शुरू कर दिया।
क्षेत्र के एक डिग्री कॉलेज के गेट को ही परीक्षार्थियों ने तोड़ डाला। करीब 3 घंटे की देरी से प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तब जाकर कहीं 10 बजे तो कहीं 10:30 बजे से परीक्षा शुरू कराई जा सकी। बता दें कि सोमवार सुबह 7 बजे से बीए प्रथम वर्ष बीएससी द्वितीय वर्ष का परीक्षा शुरू होना था, लेकिन समय से पहुंचे परीक्षार्थियों ने कई कॉलेज में हंगामा शुरू कर दिया।